हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज के टास्क में आज आपको क्या पढ़ना है, क्या रिवीजन करना है, क्या मैपिंग टास्क कवर करना है। और न्यू मेंबर के लिए यहाँ पर हम बता देना चाहते हैं, अगर आप लोग यूपीएससी और स्टेट बीसीएस की तैयारी करते हैं तो आप इस टास्क को फॉलो कर सकते हैं, जिससे अपनी पढ़ाई को और ज्यादा इम्प्रूव और एनहांस कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बहुत ज्यादा व्यवस्थित भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर सुबह 8 बजे आपको डेली बताया जाता है कि आज आपको क्या पढ़ना है, क्या रिविजन करना है, क्या मैपिंग टास्क कवर करना है। और ये आपको संडे को नहीं दिया जाता, क्योंकि संडे को आपका विजन की टेस्ट सीरीज है वो सॉल्व कराई जाती है, और आपको अदर एक्टिविटी करानी होती है तो वो भी संडे को कराई जाती है। ओके, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज आपको क्या पढ़ना है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लें अगर न्यू मेंबर हैं आप। तो यहाँ पर देखिए, आपकी तैयारी का आज यहाँ पर 38वां दिन देखने को मिलेगा, और यहाँ पर 22 अगस्त है। तो देखिए, आज आपको हिस्ट्री क्लास 11th एनसीईआरटी जो आप लोग पढ़ रहे थे, उसके आगे की यूनिट आप लोगों को पढ़नी है, जिसका नाम है द थीम्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, आपको देखने को मिलेगा। और देखिए, जब आप अभी तो नहीं, एम्पायर वाले जो है, इसके आगे के जो आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे वो आपको, अभी हम आईआर से स्टार्ट करने वाले, तो आईआर का भी आपको एक तरह से बेस है वो बनाएंगे। वैसे देखिए, आईआर के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको एक कॉन्टेम्परेरी बर्ड, इंडिया एंड कॉन्टेम्परेरी बर्ड आपको देखने को मिलेगा 12th क्लास की। ओके, वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। वैसे हम आपको पढ़ाएंगे तो पूरा का पूरा बेस बना देंगे, क्योंकि बेसिक से ही आज क्लासेस आपको लोगों की स्टार्ट होने वाली। ओके, लेकिन हिस्ट्री भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेस देगा ये वाले चैप्टर ने, इसके आगे के जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर इसका आपको यूनिट सेकंड पढ़ना है। ओके, क्या पढ़ना है इस एनसीईआरटी का आपको? यूनिट सेकंड, या फिर हिंदी में इकाई द्वितीय, यानी कि दूसरी इकाई आप लोगों को पढ़नी है, जिसका नाम है एम्पायर, आपको देखने को मिलेगा। तो एम्पायर के बारे में आपको पढ़ना है, तो आपको काफी मजा भी आएगा इन चीजों को पढ़ने में, ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो देखिए, अगर आप इनके नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन बाध्यकारी नहीं है कि आप बनाए, क्योंकि हम सब आप लोगों को पढ़ाएंगे तो वहां पर नोट्स हम बनवाएंगे ही, और हम सब कुछ नोट करा देंगे। तो अगर आप लोग अपने हाथ से शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं, और ये आपको मेंस के लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा देखने को मिलेगा। ओके, जो वर्ल्ड हिस्ट्री है ये मेंस में पूछी जाती है, तो अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, वरना हम भी आपके बनवाएंगे, सब क्लास लेंगे तो आप लोग। ओके, इसके अलावा रिविजन भी करना है, तो टैक्स नंबर 4 का आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसका फुल रिविजन कर लेना है, आपको 3 दिन दिए गए थे, तो आप लोगों ने इसको आज जितना भी बचा होगा सिर्फ वो रिविजन कर लेना आराम से। इसके अलावा देखिए, आपको एडिटोरियल पढ़ना है, तो आज के न्यूज़पेपर में जो भी एडिटोरियल या फिर हिंदी में लेख आपको देखने को मिलेगा, उसको एटलीस्ट एक को पढ़ना है आप लोगों के लिए। ओके, और देखिए, आज से हमने अपने यूट्यूब चैनल है, तो वहां पर देखिए जो क्विज टाइप का, पूल टाइप का एक ऑप्शन होता है, वहां पर आप डेली 4 से 5 डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन दिए जाएंगे जो रिसेंटली। हमको कैसे पता चलेगा कि आखिर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, हमको कैसे पता चलेगा? तो हम आपको डेली वहां पर जो न्यूज़पेपर से रिलेटेड न्यूज हुआ करेगी वो आपसे पूछा करेंगे, 1-2 दिन आगे पीछे की उसमें न्यूज हुआ करेंगी, लेकिन रिसेंटली हुआ करेंगी, 1-2 दिन के आगे पीछे की न्यूज होंगी। ओके, तो आप लोग आंसर भी करना है ऐसा करके, देखिए आपको दिखा भी देंगे, कल वाले आज हमने लगाया नहीं उसका स्क्रीनशॉट, अभी भी हम अभी थोड़ी देर पहले ही 2 MCQs डाले हैं। डेली आपको 5 से 6 MCQs दिए जाएंगे, अगर आप लोग उसको आंसर किया करेंगे तो हमें पता चलेगा हाँ आप लोग यानी कि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो आपको अपनी हैबिट में लाना पड़ेगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि मैपिंग टास्क में आप लोगों को क्या कवर करना है। तो देखिए, हम लोगों ने बहुत ही आराम से डेली आप लोगों को 10-15 मिनट देते होंगे, आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर यूरोप, एशिया, ये आपका कवर हो चुका है। अब आपका अफ्रीका स्टार्ट हुआ है, वैसे तो अभी आपको सिर्फ लोकेशन बताई जा रही है, इनके बारे में सविस्तार में और कॉन्सेप्ट के साथ में तो हम आपको पढ़ाएंगे ही जब मैपिंग की क्लास देंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको अभी इन मैपिंग लोकेशन के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए ना, कि ये कहाँ पर है, अफ्रीका किसे कहते हैं, अफ्रीका में अगर लीबिया है तो लीबिया कहाँ पर है, सहारा मरुस्थल है तो वो कहाँ पर है, जैसे यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, तो जिब्राल्टर हम आपसे बोलते होंगे तो आपको हिट करता होगा, अच्छा जिब्राल्टर कहाँ पर है, क्योंकि जिब्राल्टर कई बार आ चुका है। ओके, तो इस तरह से आप चीजें पढ़ेंगे तो क्या होगा, जब हम आपको पढ़ेंगे तो आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बहुत, वहां पर हम कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ओके, तो हम इसी सीक्वेंस में आपको देते हैं, इसी सीक्वेंस में आपको इसी तरह से नोट करते रहना है, और टाइम टू टाइम मैपिंग का रिवीजन भी करते रहना है। ओके, इसके बारे में बहुत सारी चीजें हम लोग बताएंगे आप लोगों के लिए, अभी तो सिर्फ लोकेशन बताई जा रही है, इनकी विशेषताओं के बारे में हम अभी नहीं बताते हैं, फिर हम आपको कॉन्सेप्ट भी बताया करेंगे, साथ में विशेषताएं भी बताया करेंगे, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे वो भी आप लोगों को बताया करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर पहला दिया रखा है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, आपको देखने को मिलेगा, और ऐसा कभी मत करिएगा, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आप लोग को ऐसा नहीं करना है कि जो मैपिंग लोकेशन है आप सोचे कि एक बार में हम पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं, आपको डेली हैबिट में डालना है एटलस को एटलीस्ट 10 मिनट देखने की। इस वजह से आपको हम कुछ कुछ लोकेशन देते हैं, 10-15-20 लोकेशन क्यों देते हैं,
एक साथ में हम 50-60 लोकेशन दे दें फिर एक वीक तक आपको ना दें, ऐसा हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम आपको हैबिट डलाना चाहते हैं कि बार बार जब आप लोकेशन को देखेंगे तो आपको बिना मेहनत किए सारी लोकेशन याद हो जाएंगे। लेकिन जो ऐसा करते हैं कि एक साथ में सारी लोकेशन कवर कर लेते हैं, फिर एटलस को 15 दिन के लिए बंद करके रख देते हैं, 1 महीना बंद करके रख देते हैं, तो वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। उनका आउटपुट नहीं निकल पाएगा अगर, क्योंकि ये हार्ड बुक ऐप होते हैं, मतलब आप पढ़ेंगे तो काफी हार्ड लगेंगे, क्योंकि अपने देश के थोड़ी ना भाई चिंटू मिंटू पिंटू टाइप के सीतामढ़ी ऐसे करके नाम नहीं होते ना, ये थोड़े से हार्ड होते हैं, तो कैसे याद होंगे। तो रटना मना है, तो रटना मना है तो क्या करना होगा, आपको बार बार देखते रहना होगा। तो इसीलिए आपको ये हैबिट डलाते हैं कि 10-10-15-15 लोकेशन डेली कवर करिए, बर्डन भी नहीं होगा, सब कुछ याद भी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो देखिए पहले आपको देखने को मिलेगी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो देखिए जिब्राल्टर जलसंधि अब तो आपके दिमाग में हर जगह घूमने लगी होगी, कई बार आप लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए एक सारी लोकेशन कैसे मिलेगी, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो देखिए इस तरह से मेडिटेरियन सी से होते हुए इधर आप रेड सी में आएंगे, फिर गल्फ ऑफ एडन होते हुए फिर इधर आप लोग मेडागास्कर आपको ये देखने को मिलेगा। इस तरह से आप टहलते हुए आएंगे ना तो आपको ये सारी की सारी लोकेशन आपको दिख जाएंगे। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहली लोकेशन आपको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आपको देखने को मिली, तो ये है, इसके बारे में तो ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग जानते ही हैं। और फिर आपको गल्फ ऑफ गैबीज देखने को मिलेगा, ये देखिए गल्फ ऑफ गैबीज और गल्फ ऑफ सर्टी है ये कहाँ पर है। तो देखिए इधर आपको ट्यूनिसिया देखने को मिलेगा ना, तो इधर देखिए आपको गल्फ ऑफ गैबीज देखने को मिलेगा, और इधर देखिए लीबिया है, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा खाड़ी टाइप का आपको दिख रहा है ना, तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, गल्फ ऑफ सर्टी आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर जो नील रिवर है वो अफ्रीका में है, तो नील रिवर है वो यहाँ पर डेल्टा बनाती है, तो देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये मेडिटेरियन सी है ना, तो यहाँ पर इस तरह से ये नील रिवर है वो डेल्टा बनाती है इसमें, यहाँ पर तो यहाँ पर आपको नील रिवर का डेल्टा आपको देखने को मिलेगा। ओके इसको आप लोग को लोकेट कर लेना है पहले। आपको देखिए एक चीज ध्यान रखना है, आप फिजिकल मैप में सर्च किया करिए, फिर आपको पॉलिटिकल मैप में उसको लोकेट करना होता है। ओके देखना कहाँ है, फिजिकल मैप पे, लोकेट कहाँ करना है, पॉलिटिकल मैप पर, तो आपका आउटपुट हमेशा ज्यादा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों से मिक्स करके क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे नहीं केवल पॉलिटिकल से पूछेगा या फिर केवल फिजिकल से पूछेगा, दोनों से मिक्स करके पूछेगा। लेकिन आप एडसेंस में देखेंगे तो फिजिकल अलग दिया रखा होता है, पॉलिटिकल अलग दिया रखा होता है, तो वो जैसे पूछेगा कि रिवर है, अच्छा ये रिवर जाती है तो किन किन देशों से होकर के गुजरती है, ये तो आपको पॉलिटिकल मैप में पता चलेगा ना, ये रिवर जाती है तो किन किन दो देशों के बीच में सीमा का निर्धारण करती है, ये तो आपको पॉलिटिकल मैप में पता चलेगा ना। तो इस वजह से आपको जो फिजिकल लोकेशन होती है वो पॉलिटिकल मैप में आपको देखनी होती है, ओके लोकेट करनी होती है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर आपको देखिए जो नील लेवल का डेल्टा है वो आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद में स्विच कैनाल, स्विच कैनाल है मानव निर्मित एक नहर देखने को मिलेगी, नाम से नहर देखने को मिलेगी, लेकिन इसका आर्थिक महत्व है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके माध्यम से अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक बहुत बड़ा भाग है वो यहाँ से ही होकर के गुजरता है। अगर आपको देखिए इस तरह से आपको जो इंडियन ओशियन से होते हुए आप इधर रेड सी होते हुए अगर मेडिटेरियन सी में जाना चाहते हैं, या फिर मेडिटेरियन सी से होते हुए यूरोप या फिर इधर आप लोग उत्तरी अमेरिका जाना चाहते हैं, तो इस रास्ते से होकर के जा सकते हैं, जिससे आपको देखिए ये जो अफ्रीका का पूरा इस तरह से चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, मतलब केप ऑफ गुड होप होते हुए आपको नहीं जाना पड़ेगा, आपका 8,000 के करीब में लगभग में राउंड होता है वो बच जाता है जा करके 8,000। ओके तो आपको देखने को मिलेगा, तो देखिए ये इसलिए इसका आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसके बारे में विस्तार पढ़ेंगे कि इसका आप नॉर्थ में देखेंगे तो उसमें कौन सा पोर्ट है, फिर इधर आएंगे तो इधर आपको कौन सा पोर्ट देखने को मिलेगा, लेकिन अभी इतना देख लेना है कि स्विच कैनाल कहाँ पर है। तो देखिए एक स्विच कैनाल है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो मेडिटेरियन सी और रेड सी को आपस में जोड़ता है, बस इतना ही जान लेना है। फिर देखिए आपको यहाँ पर बाब अल मंडाप देखने को मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर है, देखिए इधर आपको रेड सी देखने को मिलेगा और इधर गल्फ ऑफ एडन देखने को मिलेगा, तो एडन गल्फ और साथ में रेड सी है, इन दोनों को जो मिलाता है एक बहुत सकरा भाग आपको देखने को मिलेगा, तो ये सकरा भाग है, देखिए यहाँ पर जिबूती, देखिए यहाँ पर डिबूती टाइप का लिखा हुआ होता है, डिसाइलेंट हो जाता है इसलिए इसको जिबूती बोलते हैं। तो देखिए आपको इधर ये जिबूती देखने को मिलेगा, इधर यमन देखने को मिलेगा, इसी के बीच में ये बहुत सकरा मार्ग होता है, तो इसी को बोलते हैं बाबल मंडाप के नाम से जानते हैं। फिर आप लोग आगे जाएंगे तो देखिए आप लोग गल्फ ऑफ एडन आपको देखने को मिलेगा, तो ये गल्फ ऑफ एडन आपको देखने को मिलेगा। फिर आगे थोड़ा सा आएंगे तो देखिए यहाँ पर सुगोत्रा आपको देखने को मिलेगा, तो देखिए गल्फ ऑफ एडन के जैसे ही आप बाहर निकलेंगे ना तो छोटा सा द्वीप देखने को मिलेगा, वही क्या है
सकुत्रा द्वीप के नाम से जाना जाता है। ओके, अब देखिए ये तीन यहाँ पर जो आइलैंड है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ओके, देखिए तंजानिया है ना, तंजानिया के इधर आप लोग देखिएगा छोटे छोटे होंगे, आपके में ना हो तो अलग से लोकेट कर लेना। देखिए अगर मुझसे छुप जा रहा हूँ मैं साइड से हट जाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर पेम्बा आइलैंड देखने को मिलेगा, यहाँ पर जिंजीबाज आइलैंड देखने को मिलेगा, माफिया आइलैंड आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये देखिए, और देखिए यहाँ पर जो सोमालिया है ना, सोमालिया है यहाँ पर, और ये जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र जैसे माफिया आइलैंड है, वास्तव में आपको ये क्षेत्र देखने को मिलेगा। यहाँ पर लूटपाट बहुत ज्यादा होती है, समुद्री लुटेरे बहुत देखने को मिलेंगे, यहाँ पर खतरा बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो अफ्रीकी यहाँ पर कुछ समुदाय हैं वो समुद्री लुटेरे टाइप का काम करते हैं आज भी। वो जो सिपे जाती हैं उनको लूट लेते हैं, उनका सामान लूट लेते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए उसके बाद में माफिया आइलैंड के बाद में आपको देखिए यहाँ पर सेशेल्स देखने को मिलेगा। सेशेल्स कहाँ पर है, तो देखिए ये आपको सेशेल्स मेडागास्कर के ऊपर आप लोग देखेंगे तो सेशेल्स देखेगा। वैसे इतना छोटा छोटा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आप, हो सकता है आपके एटलस पर ना दिया रखा हो कि वो सेशेल्स लिखा हो ना लिखा हो, तो आप लोग खुद नोट कर लेना। तो देखिए ये सेशेल्स है, फिर नीचे आएंगे तो आपको मेडागास्कर देखने को मिल जाएगा। मेडागास्कर तो काफी बड़ा है, तो आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। तो इतनी लोकेशन आज बस आपको सर्च करनी है, और फिर उसके बाद में हम आगे की लोकेशन देखेंगे। और साथ में आज आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो स्टार्ट होने वाला है, IR अंतरराष्ट्रीय संबंध। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पर बात करने वाले हैं। आज आकर के सभी लोग क्लास को ज्वाइन करिएगा, 6 PM पर आप लोगों की क्लास होगी, और 3 PM वाली आज आपकी क्लास नहीं है, वो कल से आप लोगों की स्टार्ट होगी। ओके, तो आज हम लोग उस सिलेबस डिस्कशन करना है बहुत सारा, हम स्टेटिक्स के बारे में बात करेंगे, तो 3 बजे वाली क्लास नहीं होगी, 6 बजे वाली क्लास आपकी IAS की होने वाली है, और PCS की भी, मतलब PCS में भी तो IR पूछते हैं, तो PCS के लिए भी आपको देखने को मिलेगा। तो सभी लोग आकर के ज्वाइन करिए इस क्लास को, काफी महत्वपूर्ण क्लास आप लोगों को मिलने वाली है, और जो इस तरह से टास्क दिया जाता है इस तरह से आपको सारा कवर कराया जाएगा। ओके, तो आपका ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट के सारे टास्क दे चुके थे, अभी आपका हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर आप लोगों का चल रहा है, और यहाँ पर आप लोगों के लिए 3 बैचेस फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए लॉन्च किए गए हैं, और आप लोग इतना सारा प्यार देते हैं तो काफी अच्छा लगता है। और देखिए ये आपके लाइव क्लासेस यहाँ पर चलती हैं, दोनों क्या है, लाइव क्लासेस का शेड्यूल आपको देखने को मिलेगा। आज सिर्फ 3 बजे वाली क्लास नहीं होगी, 6 बजे वाली क्लास होगी, कल से 3 बजे वाली क्लास भी अपने निर्धारित समय पर होगी, और लगभग में 10 से 12 लेक्चर में हम लोगों का PCS खत्म हो जाएगा, और फिर हम लोग की IAS की क्लास चला करेगी। नहीं, अभी हमारे BPSC भी बचा है, तो BPSC भी फिनिश कर देंगे, फिर हमारी दोनों टाइम IAS की क्लास चला करेंगे। ओके, इसके अलावा देखिए यहाँ पर करंट अफेयर की आप लोगों को ये रिकॉर्डेड क्लास कभी भी दे दी जाती है शिवम सर द्वारा, ये हम नहीं प्रोवाइड कराते हैं, शिवम सर आपको प्रोवाइड कराते हैं, और वो द हिंदू को हिंदी में कन्वर्ट करके दे देते हैं आप लोगों के लिए। ओके, तो आप लोगों ने अगर तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और यहाँ पर आप लोग प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर बहुत सारी इस तरह से प्लेलिस्ट मिल जाएंगे जो हमने अलग अलग बना दी है सभी बैचेस के, जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आप कम्युनिटी का ऑप्शन आता है, आप कम्युनिटी वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो वहां पर हम क्विज देते हैं, वो जाकर के आप लोग अटेम्प्ट किया करिए, और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया जाता है। ओके, तो चलिए आज के लेक्चर यहाँ पर फिनिश करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसी तरह से प्यार दिखाते रहें आप लोग के लिए ऑन टाइम पर, इसी तरह से लेक्चर हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। ओके।